हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेक अप शिवी। और आज मैं आई हूँ अग्रवाल्स। यहाँ आने का प्लान मेरा आज इसलिए बना क्योंकि मेरे भाई का एग्ज़ाम था और मैं उसको पिक करने गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ उसको अब कुछ खिला भी देते, क्योंकि उसका पेपर थोड़ा अच्छा हुआ था साइंस का। तो हमने सोचा चलो फिर अग्रवाल से चलते हैं और लंच कर लेंगे वहीं पर। तो मैं और बाबू आ गए यहाँ पे। और यार यहाँ मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितने सालों बाद मैं आ रही हूँ अग्रवाल्स में। मतलब एक दो बार आई थी बीच में सिर्फ केक ले जाने। और यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ केक और मिठाइयाँ ही मिलती हैं जैसा हम सभी को पता है। तो मैं सिर्फ यहाँ से मिठाई और केक लेकर के चली जाती थी। तो आज मैंने सोचा कि हम चलो यहीं पे लंच करते हैं और देखते हैं कि अग्रवाल्स का सब कुछ वैसा का वैसा ही है या फिर कुछ चेंज हुआ भी है इसमें। तो चलो फिर चलते हैं ऊपर। तो आ गए हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे यार ज़्यादा कुछ चेंज तो दिख नहीं रहा है मुझे। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल डिट्टो सेम। बस हाँ, मेन्यू मुझे थोड़ा सा तो लग रहा है कि इसमें ज़्यादा फूड ऐड ऑन हुए हैं, क्योंकि यार पता नहीं, मैं भूल भी चुकी हूँ, मुझे याद भी नहीं है। तो ये है इसका फूड मेन्यू। मैं आप लोगों को बिल्कुल एलैबोरेट करके बिल्कुल धीरे धीरे आराम से दिखा देती हूँ इसका मेन्यू, क्योंकि मैं हमेशा, मुझे पता है कि मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ और आप लोग ठीक से देख नहीं पाते होंगे। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल स्लोली स्लोली सारा आप रेट लिस्ट वगैरह पढ़ लो। तो ये था इसका मेन्यू। और मैंने, बाबू ने ऑर्डर किया है एक मसाला डोसा, एक चीज़ पिज़्ज़ा और एक कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि हमें ना हैवी खाने का ज़्यादा मन नहीं था और वीकेंड भी था। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये सब खाते हैं, क्योंकि खाना तो यार रोज़ ही खाने मिलता है। तो आज लंच में हमने सोचा कि चलो यही सब खा करके आज काम चलाते हैं। अब ऑर्डर तो हमने दे दिया, चलो देखते हैं अब हमारा खाना कितनी देर में आता है यहाँ पर। बर्गर खाता तो मैं यहाँ पर मिल्क शेक विद आइसक्रीम पी जाए। तो कैसा हुआ तुम्हारा एग्जाम, पास हो जाओगे ना? नंबर एकदम अच्छे आएंगे, मज़ेदार है। गाइज़ हमारा मसाला डोसा आ चुका है और चलो फिर इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा है। यार ये थोड़ा सा ना सॉगी हो गया है, उतना क्रंची नहीं है, बट चलो टेस्ट करते हैं। गाइज मुझे मसाला डोसा अच्छा लगा है। जो इसका आलू मसाला है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है और मुझे तो टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसका। और साथ ही में हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। इसके ऊपर पूरा चीज़ मेल्ट है, यार बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और हमारी चॉकलेट शेक भी गाइज बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया यहाँ का मसाला डोसा भी। अब टेस्ट करते हैं कि ये पिज़्ज़ा कैसा है। और आप भी क्या पिज़्ज़ा पे अपने खाने से पहले ऐसी ड्राइंग बनाते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो हमेशा बनाती हूँ सॉस से। और गाइज ये देखो इसका चीज़ पुल, मतलब इतना चीज़ी पिज़्ज़ा था कि आधा चीज़ तो नीचे गिर गया वीडियो शूट करने के चक्कर में, पर फिर भी मैंने इसको फोक से उठा करके कैसे भी डाला, एडजस्ट किया। और अब टेस्ट करते हैं अपना पिज़्ज़ा। और गाइस पिज़्ज़ा भी मतलब बिल्कुल A1 है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तीनों मसाला डोसा भी, चॉकलेट शेक भी और पिज़्ज़ा भी, ये तीनों मुझे अब तक जो भी मैंने ऑर्डर किया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये तो मस्त 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 रेकमेंडेड है मेरी तरफ से। अगर आप अग्रवाल आते हो तो ये चीज़ी पिज़्ज़ा तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और हमें डोसा इतना पसंद आया था कि हमने एक और ही मंगवा लिया, फिर हमने अपना डोसा ख़त्म किया। और मेरी मम्मी को यार पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे उतना पिज़्ज़ा पसंद नहीं आता बट मेरी मम्मी का तो फेवरेट है पिज़्ज़ा, तो उनके लिए भी हमने पैक कराने को ऑर्डर दे दिया। और जब तक ये लोग पिज़्ज़ा हमारा पैक करते तब तक अपना मसाला डोसा इन्जॉय करते। यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था मसाला डोसा, मुझे तो खा करके मज़ा ही आ गया। और सबसे जो बोरिंग काम होता है वो होता है बैठ करके वेट करना किसी भी चीज़ के लिए। अग्रवाल्स यार अभी भी अपने खाने के टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो लगा था कि अब नए रेस्टोरेंट्स खोल गए हैं गाज़ीपुर में तो अग्रवाल में अब कौन ही जाता होगा, बट यार यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ और आई थिंक सबसे पुराना जो अच्छा रेस्टोरेंट हमारे गाज़ीपुर में ओपन हुआ था वो अग्रवाल से था। तो अपनी पेट पूजा करके और पिज़्ज़ा लेकर के चलते हैं घर। पनीर रोल पैच मतलब।
लंच करके। तो गाइज मज़ा आ गया, और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको अग्रवाल की कौन सी जो डिश है वो सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट है, सो दैट कि अगर मैं अगली बार जाऊँ तो वो डिश ज़रूर से ट्राई करूँ। और गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छी लगी हो, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि यार मैंने मम्मी को बताने था कि हम लंच बाहर करके आएंगे और हमें जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय गाइज़।